मैं रोशनी ठाकुर, पति चंदन सिंह ठाकुर, चंद्रा कॉलोनी राजनंद गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, बच्चे को लिया लिया। मैं रोशनी ठाकुर, पति चंदन सिंह ठाकुर, चंद्रा कॉलोनी राजनंद गांव से आई हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे। 2-4 साल तक तो हमने इंतजार करा, 5 साल इंतजार करा, 6 साल इंतजार करा, 7 साल इंतजार करा, 8 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, हमारे यहां संतान का सुख नहीं आया। तब करें तो करें क्या, हम सत्य बोले ना गुरुजी, तो हमारा इतना विश्वास आपकी कथा पर भी नहीं था। सत्य बोले गुरुजी तो हमारा विश्वास कथा पर भी नहीं था और हमारा विश्वास शिव पर भी नहीं था। पर एक बार आपका कथा टीवी पर सुन ली और सुनने के बाद जो भरोसा आप कहते हो कि पूर्ण विश्वास के साथ अगर कोई कार्य करोगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। अब हमने भी सोच लिया, डॉक्टर का बहुत इलाज करवा लिया, सारी दुनिया में हमने प्रणाम कर लिया, सब जगह से गोदी भरवा ली, औलाद नहीं हुई, अब विश्वास शिव पर करेंगे। अब देगा तो भोलेनाथ देगा, नहीं तो नहीं देगा। इतने साल भी तो नहीं दिया, देना नहीं देना उसकी मर्जी। हमने आपके कहने पर आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनी, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब भी मेरे घर में औलाद नहीं हुई। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ। 2 बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ। 3 बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ। तब मैंने सोच लिया कि हमने विचार कर लिया कि देगा तो शिव ही देगा, अब किसी के यहाँ नहीं जाऊंगी और ना किसी के यहाँ धोक लगाऊंगी। बस 5वीं बार पशुपति व्रत और 5वीं बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब जाकर मेरे बाबा ने 22/11/2023 को मेरे घर में संतान दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। जब पूर्ण भरोसा विश्वास नहीं है, वो लिख रही है अपने पत्र में, हम आपको पर भी भरोसा नहीं करते, शिव पर भी भरोसा, हमें भरोसा ही नहीं था, हमें विश्वास नहीं। शंभू